श्रोता बंधु, आत्म कर्म की तैयारी हुई है, पर एक बात ध्यान से सुनना। भगवान का जो 108 नाम लिखे हुए हैं उनमें एक नाम है अजन्मा। अजन्मा जन्म होता ही नहीं। अच्छा, भगवान का जब जन्म ही नहीं होता तो फिर आत्म कर्म में कौन आया? आप देख लेना रामचरितमानस में भरत का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का जन्म बता रहे हैं, राम के लिए लिखा प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं। प्रकट होना और जन्म होना अलग अलग बात है। और प्रकृति का ये नियम है कि जो जन्मेगा वो मरेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। और भगवान का न जन्म है न मरण है, तो फिर आत्म कर्म में कौन आया? ये हरिवंश पुराण में लिखा है कि आत्म कर्म में कुछ नहीं था, केवल एक हवा का गोला बना, वो माया का खेल था, केवल कुछ नहीं था। हवा का गोला था जिससे कंस को ये पता चल जाए कि मेरी बहन के आठवीं संतान होगी। और जिस समय वो समय पूरा हुआ था राजन परीक्षित जी, वो महीना कौन सा था और वो तिथि कौन सी थी और वो दिन कौन सा था? जिस दिन आठ महीने का समय पूरा हुआ है, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। बुधवार जब सूर्य का प्रकाश रे सहित मांग के आया, अरे तेरा तो मात के आया, तेरे तेरा तो मात के आया, जब सूर्य का प्रकाश रे सहित मांग के आया। सम्मानित किया है परमात्मा, सुख समृद्धि देता है, धन्यवाद। पंटू यादव एक हारमाला से हमारा सम्मान किया है, 10 रुपए कलशवाली कन्याओं के लिए है, धन्यवाद। राजन परीक्षित भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। जैसे भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ है, देवकी के उदर में दर्द, सब पहरेदार गए, महाराज आज तुम्हारी बहन के आठवीं संतान होगी। कंस ने एक पहरेदार रहे तो 100 सावधान, जाई नंबर में आवे, अगर कोई पहरेदार सो गया तो फांसी लगा।
करा दूंगा। अरे महाराज कैसी बात करते हो, लठिया पल्लम फस्सा कुढ़ारी है, द्वार के द्वार भरे रहे। ओ लल्लू बैठ जाओ, चिंता मत करो, बाल का पैदा तो हजार दो हजार टुकड़ा उड़ा देंगे, तब तुम तक सूचना देंगे। विचार करना जा, कंस की काया में 22,000 हाथी को बोले तो पालक नाग हो ताते पहले कहां पर होए। अब लठिया बाप का कह रहा हूं मैं हत हूं, चिंता मत करो। ठाकुर सुहाई कह रहे हो बिल्कुल। और जब दासियों से जाकर के कहा सावधान, महाराज चिंता मत करो, बिल्कुल मत घबराओ। धीरे धीरे संध्या का समय हो गया, लेकिन संतान नहीं जन्मे, संतान नहीं जन्मी। जब दिन छिप गया था तो एक दासी ने आकर के कहा कि महाराज सवेरे दिन तुम्हारी बहन के मुंह माँ देख रहे, पर संतान वही तो वही, संतान नहीं जन्मी तो खतरा है। अब जो इतना समय भव तो खतरा है, तो अब तलवार हाथ में लिए पापी ने, एक कोण में बस्ते बने हुए थे और एक कोण में देव की, हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां पड़ रही हैं। श्रोता बंधु तब धमकाया है उस पापी, कैसे पैरों में बेड़ी होगा, मां की हालत क्या होगी।
श्रोता बंधु, आधी रात का वक्त होने को जा रहा था, पूर्वाई हवा चल रही थी, पानी की फुहार पड़ रही थी, तो देवकी को प्यास लगी है, देवकी को प्यास लगी है, तो वसुदेव से पानी मांगा है, पानी मांगा है। आवाज दी महाराज सोरे, अरे देवकी तुम्हारे शरीर पर इतना कष्ट पड़ रहा है तो वो नींद आ सकते, ये है जोड़ीदार का फर्ज, विचार करना, ये फर्ज होता है दोनों पति और पत्नी का आपस में, एक दूसरे पर कष्ट अगर पड़ता है तो वो दोनों एक दूसरे के सहायक बने। बस सुनो तुमने एक हंसी की बात बताए तुम्हें, सब ध्यान से सुनो, जिनके बालक व्याकुल रुपया मांगे हुए बैठे बहुत बहुत, तुम्हें मालूम है जिस समय महतारी के उदर में दर्द होता है, संतान पैदा होती है, वो असहनीय पीड़ा होती है, जिसे क्या तो भगवान जानता है क्या महतारी जानती है, उस दर्द का बखान कोई कर नहीं सकता जो उस दिन महतारी को होता उधर में, वो मालूम है, तब वो बाप बाजे बजवा पर द्वार पर बहुत जोर से, जब महतारी का दर्द होता है संतान होती है तो फिर वो बाजे बजवा पर द्वार पर, पापा तू महतारी याद रखते के चले आपका दर्द हो मेरे तो बाजे बजवाए तेने, एक दिन ऐसे हुआ ताजना दर्द हो तेरे, मालूम कब होता है, तो लड़का पैदा हो तो खुशी मनाई, फिर वो धीरे धीरे बालक बड़ो बहो जब 21-22 साल को ब्याह ला तो ब्याह जब रुक जाते है तो दादन सही बताइयो महताई है कोई चिंता है, अब लड़का को बाप विचार करता है 50,000 में तो बाजे है रहे, ओ भैया 55,000 रुपए तोले सोनो है, 1,00,000 रुपए ओड़ी चाहिए, 5,00,000 रुपए दावत को चाहिए, कछु आस के बाद बाप के हड़कल पत्ते पान में, और जब बाप के दर्द होता है और ताकर बेमहतारी लंबी बाई